वर्ल्ड टी20 के पहले अभ्यास मैच में टीम इंडिया को मिली हार, श्रीलंका ने 5 रन से दी मात। टॉस जीतकर भारत ने श्रीलंका को बल्लेबाजी का दिया था मौका, श्रीलंका ने टीम इंडिया को 154 रन का दिया था लक्ष्य। श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बनाए, आर अश्विन ने श्रीलंका के 3 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 148 रन पर ढेर, रैना युवराज को छोड़ बाकी सभी बल्लेबाज रहे फ्लॉप। रैना ने 41, युवराज ने 33 रन बनाए, श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा को मिले 4 विकेट। क्रिकेट की टी20 विश्व कप में खेले जाएंगे आज 2 अभ्यास मैच, पहला मुकाबला इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच। इंग्लैंड की कमान एसीजे ब्रॉड के हाथों में, डैरन समी करेंगे वेस्टइंडीज की अगुवाई। दूसरा टी20 अभ्यास मैच बांग्लादेश ए और दक्षिण अफ्रीका के बीच। मिथुन अली संभालेंगे बांग्लादेश ए की कमान, ड्यू पैलेसिस करेंगे दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी। टी20 के दोनों अभ्यास मैच आज फतुल्ला मैदान में खेले जाएंगे। टीम इंडिया के कप्तान धोनी घायल, टी20 विश्व कप के पहले अभ्यास मैच में नहीं की बल्लेबाजी। धोनी ने दाएं हाथ में दर्द की शिकायत की, कहा सावधानी के चलते नहीं की बल्लेबाजी। धोनी बोले 2 दिन में दूर हो जाएगी दर्द की शिकायत, विश्व कप में टीम इंडिया के पहले टी20 मुकाबले के मद्देनजर नहीं लेना चाह रहा था रिस्क। टी20 विश्व कप में 21 मार्च को पाकिस्तान से होगा टीम इंडिया का पहला मुकाबला, एशिया कप में टीम खा चुकी है मात। टीम इंडिया को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में करना होगा सुधार, अभ्यास मैच में ओपनिंग जोड़ी रही फ्लॉप, जमकर पिटे गेंदबाज। चुनाव आयोग की बैठक आज, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर आप कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ पर आ सकता है फैसला। 5 मार्च को दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की थी तोड़फोड़, गुजरात में केजरीवाल की हिरासत में हुआ था हंगामा। दिल्ली चुनाव आयोग ने आपको चुनाव आचार संहिता का दोषी पाया था, केंद्र चुनाव आयोग से की गई थी कड़ी कार्रवाई की मांग। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष और शाजिया इल्मी पर उग्र कार्यकर्ताओं की अगुवाई का आरोप। आपने दोबारा ऐसा प्रदर्शन नहीं दोहराने का दिया था भरोसा, जवाब से नहीं संतुष्ट हुआ था दिल्ली चुनाव आयोग। कर्नाटक में गुजरात के भ्रष्टाचार पर बयान देकर फंसे बीजेपी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को घेरने का किया कड़ा बंदोबस्त। कर्नाटक बीजेपी ने राज्य आयोग से की केजरीवाल के बयान की शिकायत, बयान को बताया आपत्तिजनक और मोदी की मानहानि करने वाला। केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात में फिक्स है हर चीज का रेट, 5,000 में बनता है ड्राइविंग लाइसेंस, 3 करोड़ में होता है पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर। कर्नाटक की रैली में केजरीवाल ये भी बोले, मोदी पीएम बने तो फिक्स हो जाएगा हर चीज का रेट। वो अंबानी के हवाई जहाज के अंदर घूमते हैं। क्या वाराणसी में होगा मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनावी समर, इस पर विचार के लिए आम आदमी पार्टी आज करेगी बैठक। केजरीवाल कर्नाटक की रैली में स्वीकार कर चुके हैं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती, लेकिन वाराणसी की जनता से राय लेने की बात भी कही। केजरीवाल के मुताबिक वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला 23 मार्च को जनता की राय जानने के बाद लिया जाएगा। वाराणसी में मोदी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी जुटी। 3 दिन के कर्नाटक दौरे के बाद दिल्ली लौटे केजरीवाल, पार्टी के बड़े नेताओं संग आज बैठक, तैयार करेंगे चुनावी रणनीति। मोदी पर बयान देकर गिर गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी, मोदी समर्थक मधु किश्वर आज चुनाव करेंगी शिकायत। मेवात में आप नेता योगेंद्र यादव ने कहा था कि मोदी बने पीएम तो देश में लग जाएगी आग।
अगर किसी ने कभी कोशिश की कि यहाँ पे सिर्फ एक की ठेकेदारी चलेगी तो इस मुल्क में आग लग जाएगी, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। समाजसेवी और मोदी समर्थक मधु किशोर के मुताबिक योगेंद्र यादव का यह बयान आधारहीन और मोदी की छवि खराब करने वाला है। अहमदाबाद में गुजरात बीजेपी की अहम बैठक, मोदी के गुजरात से भी लोकसभा चुनाव लड़ने का होगा विचार। गुजरात बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी, अहमदाबाद की पश्चिमी लोकसभा सीट पर मोदी के नाम का विचार। मोदी के गुजरात से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, बीजेपी 19 मार्च को इस बात का करेगी ऐलान। बैठक में लालकृष्ण आडवाणी की सीट पर भी होगी चर्चा, आडवाणी गांधीनगर लोकसभा सीट से है मौजूदा सांसद। राहुल गांधी आज मेघालय दौरे पर, करीब 11 बजे उत्तरी इलाके में रैली को करेंगे संबोधित। गाजियाबाद से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार राजबब्बर पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, पिलखुआ कोतवाली में केस दर्ज। बछेड़ा खुर्द में पहली बार लोगों से मिलने दलबल के साथ पहुंचे थे राजबब्बर, 5 बजे तक ही थी इजाजत। चुनाव आयोग की उड़न दस्ता टीम ने निर्धारित समय सीमा से ज्यादा वक्त बिताने पर राजबब्बर को आड़े हाथों लिया। उड़नदस्ता जांच दल के प्रभारी लोकेश कुमार ने दर्ज कराया आचार संहिता के उल्लंघन का केस। ममता बनर्जी आज से पश्चिम बंगाल में फूंकेगी चुनावी बिगुल, दक्षिणी 24 परगना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेगी ममता। 24 परगना जिले में कुल 5 लोकसभा सीटें, ममता का भी चुनाव क्षेत्र रहा है 24 परगना। 24 परगना की जादवपुर और दक्षिणी कोलकाता सीट से ममता रह चुकी हैं सांसद। तृणमूल के लिए इस बार डायमंड हार्बर सीट भी है बेहद अहम। डायमंड हार्बर सीट से ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी मैदान में उतरे। मोदी पर शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सूले के भी सुर देखे नरम, कहा अब नहीं उठने चाहिए दंगे से जुड़े सवाल। सुप्रिया ने कहा दंगे में मोदी की भूमिका के आरोपों से कोर्ट ने उन्हें बरी किया, अब सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं। इफ अ कोर्ट टुडे से टुमारो आई मेक एन एलिगेशन अगेंस्ट यू दैट यू आर अ मर्डरर एंड द कोर्ट प्रूव्स इट टू मी दैट नो यू आर नॉट अ मर्डरर, then I can't keep screaming loud. I mean, eventually we all have faith in the justice system of this country. NCP में सबसे पहले प्रफुल्ल पटेल ने मोदी की तरफदारी की थी, प्रफुल्ल ने भी वही कहा था जो आज सुप्रिया सूले बोल रही हैं। NCP अध्यक्ष शरद पवार भी ये कह चुके हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद अब गुजरात दंगे में मोदी की भूमिका का सवाल बंद होना चाहिए। केंद्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन करने वाली एनसीपी के सुर पर अब उठ रहे हैं सवाल, चुनाव के बाद एनडीए से हो सकता है गठजोड़। एनसीपी मोदी को क्लीन चिट दे रही है तो वही कांग्रेस कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी इसे मान रही है जल्दबाजी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक मोदी को दंगे के आरोपों से पूरी तरह बरी करना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि मोदी पर नरमी के बावजूद सुप्रिया ने एनसीपी को यूपीए का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया। हमारा गठबंधन कर रहा है और अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में हम हमेशा कांग्रेस के साथ रही एक पार्टी है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, 10 साल से केंद्र में और 15 साल से महाराष्ट्र में। क्या राहुल गांधी और शरद पवार के बीच है लंबी दूरी, सुप्रिया के मुताबिक अहम फैसलों पर सोनिया और मनमोहन सिंह से ही होती है पवार की बात। सुप्रिया सूले ने कहा कि राहुल गांधी और पवार के बीच जनरेशन गैप है, दोनों से विचारों और कामकाज के तरीकों में है काफी अंतर। नहीं, पवार साहब का जनरेशन गैप है, पवार साहब
ये देश के पंत प्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी, वो एक अलग जेनरेशन के लोग हैं जिन्होंने 10 साल से बहुत अच्छी तरह से काम किया है दिल्ली में। सवाल है कि अगर राहुल को यूपीए की अगुवाई का मौका मिला तो क्या एनसीपी यूपीए किनारा कर लेगी? सुप्रिया ने राहुल की तारीफ भी की, कहा राहुल कांग्रेस के लिए कर रहे हैं काफी मेहनत, बदलाव लाने के लिए वो घूम रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अजीत पवार से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर बोली एनसीपी नेता सुप्रिया सूले, कहा पब्लिक लाइफ में नहीं होती विरासत की जंग। हमारे पार्टी में ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है। एक तो मैं दिल्ली में काम करती हूँ, दादा महाराष्ट्र में सारा देखते हैं। सुप्रिया ने कहा वो दिल्ली में और अजीत पवार करते हैं महाराष्ट्र में राजनीति, कार्य क्षेत्र बटे हैं, नहीं होता कोई टकराव। सुप्रिया बोली महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं, महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए अगुवा का महिला होना जरूरी नहीं। यूपीए चेयरपर्सन एक महिला है, हमारी विरोधी पक्ष नेता भी महिला है, हमारी स्पीकर भी महिला है। इस हिसाब से इस देश की हर महिला सुरक्षित होनी चाहिए, सुखी होनी चाहिए, सब उसके लिए बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। लेकिन शिवसेना के लिए होली पड़ी भारी, नेता राहुल नार्वेकर शिवसेना छोड़कर एनसीपी में शामिल। एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया नार्वेकर के नाम का ऐलान, कि एनसीपी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा। राहुल नार्वेकर को लेकर शिव सैनिकों ने मचाया उधम, भिड़ने को तैयार दिखे एनसीपी कार्यकर्ता, कुछ को पुलिस ने हिरासत में लिया। एनसीपी में शामिल होते राहुल नार्वेकर को मिला लोकसभा टिकट, मावल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे नार्वेकर। राहुल नार्वेकर ने शिवसेना पर लगाया आरोप, कहा कुछ शिवसेना नेताओं ने किया धोखा। एनसीपी जहां शिवसेना में लगा रही है सेंध, वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र में एनसीपी को दिया है झटका, हिना गावित आज थामेंगी बीजेपी का दामन। हिना एनसीपी नेता और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित की बेटी हैं। पेशे से डॉक्टर हिना गावित को बीजेपी नंदूरबार से दे सकती है लोकसभा का टिकट। सूत्रों के मुताबिक हिना के पिता और मंत्री विजय कुमार भी जल्द छोड़ सकते हैं एनसीपी का साथ। महाराष्ट्र के जनजातीय इलाके में विजय कुमार की है खासी पकड़, विजय कुमार ने साथ छोड़ा तो क्षेत्र में एनसीपी को होगी बड़ी मुश्किल। होली के दिन दिल्ली के करावल नगर सोनिया विहार में हादसा, नहाने गए 5 लड़के यमुना में डूबे। यमुना में नहाते वक्त मोबाइल से बना रहे थे वीडियो, गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा, अलग अलग परिवारों से थे डूबने वाले लड़के। दो लड़कों ने पुलिस को दी 5 लोगों के डूबने की सूचना, गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव। लड़कों के डूबने से परिजनों के बीच त्योहार के दिन पसरा मातम, बचाव कार्य में देरी का लगाया आरोप। पुलिस प्रशासन भी कुछ इस तरह का है कि जैसे यहाँ के लोग तो कहते हैं कि भाई ये प्रोसीजर जो है यूपी गवर्नमेंट के उसमें आता है, कोई कहता है पुराड़ी क्षेत्र में आता है, कोई कहता है खजूरी थाने में आता है, कोई सोने। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 20 साल के युवक अजय चौधरी की गला काटकर हत्या, साहिबाद का रहने वाला था अजय। अजय के परिजनों ने कहा नहीं थी किसी से रंजिश, पुलिस को हत्यारे की तलाश। असम के गोलपारा में होली के दिन दो गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग। पुलिस गोलीबारी में एक शख्स की मौत का आरोप, मृतक का नाम राणा दास, अस्पताल में भर्ती के कराने के बाद हुई मौत। राणा दास की मौत से गोलपारा के लोगों का भड़का गुस्सा, पुलिस से संघर्ष को उतारू हुए लोग। पिछले 11 दिनों से लापता मलेशियाई प्लेन का अब तक नहीं मिला है सुराग। लापता मलेशियन प्लेन से आखिरी संदेश सह पायलट का आने की खबर। अफगानिस्तान की सीमा में लापता विमान ले जाने की आशंका, मलेशिया ने जांच के लिए मांगी राजनयिक इजाजत।
लापता मलेशियन विमान की खोज के लिए पाकिस्तान ने भी दिया जांच में सहयोग का भरोसा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, विमान की जांच में करेगा पूरा सहयोग।